आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अनानास को पाइनएप्पल को ईजली कैसे छीला जा सकता है, क्योंकि कई सारे लोग इसे छीलने से घबराते हैं और इसी वजह से मार्केट से इसे साबुत नहीं खरीदते हैं। जैसा मैं डरती थी पहले कि इसे कैसे छीलेंगे, कैसे रेडी करेंगे, तो यही डर बहुत लोगों के मन में होता है। तो आज हम इसी को ईजी बनाने वाले हैं कि इसे हम घर पर बहुत ईजली तरीके से कैसे पाइनएप्पल को तैयार कर सकते हैं खाने के लिए। हम सबसे पहले ऊपर का ये पार्ट है वो काट कर हटा लेते हैं। इसके छिलके के साथ ही अंदर की तरफ लगा कांटा होता है जो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है साइड साइड से, इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये गलती से भी छूट जाए तो आप इसे नहीं खा सकते, तो बहुत ज़रूरी है कि इसे हम अच्छी तरीके से निकाल दें। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके पतले पतले स्लाइसेस काट लेंगे, इस तरीके से राउंड शेप में ही। और स्लाइसेस काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे हम तैयार करेंगे खाने के लिए। बहुत इजी है, जो कि हम डरते हैं इसे मार्केट से ख़रीदते समय कि कैसे हम इसे छीलकर रेडी करेंगे। अब ये देखिए, हम सभी के घर में ये ग्लास होता है पानी पीने के लिए, तो इसी से हम इसे तैयार करेंगे। इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और साइड से घुमाकर देख लेंगे कि इतना पार्ट छूट रहा है, क्योंकि कांटा है वो इसी के बाहर होता है। अब ग्लास को हम ऊपर से प्रेस करेंगे और ये पाइनएप्पल एक अच्छा सा शेप भी ले लिया, और साइड साइड से रिंग टाइप में ये कांटे वाला पार्ट है वो भी अलग हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, पाइनएप्पल का ये पीस बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से आप कटोरी की सहायता से भी इस पाइनएप्पल को रेडी कर सकते हैं। अगर इस साइज़ का आपके पास कटोरी हो तो कटोरी को ऊपर इसी तरीके से रख कर और उसे प्रेस करके आप इस पीसेस को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल साइड से जो कांटे वाला पार्ट है ये बिल्कुल अलग हो गया और ये पीस बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये देखिए, ये सब हम अलग फेंक देंगे। और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो हल्की सी काली मिर्च का पाउडर और हल्का सा काला नमक या फिर चाट मसाला छिड़क कर इसे सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, खुद इंजॉय कर सकते हैं। और बल्कि उस तरीके से जैसे मार्केट में छीलता है, उससे बहुत ज़्यादा ईजी है ये पाइनएप्पल को खाने के लिए तैयार करना। बस इसके स्लाइसेस बनाना है, ग्लास से या कटोरी से इसके ऊपर प्रेस करके इसे शेप देना है और इसके ऊपर काली मिर्च या फिर नमक, चाट मसाला, कुछ भी ऐसा जो आप पसंद करते हो छिड़कना है और सर्व कर दीजिए। बिल्कुल आसान है ना, आसान। पाइनएप्पल को खाने के लिए तैयार करने का ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। तो इसी तरीके की कोई यूनिक वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी, कोई बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मैं फिर से मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।